ओम नमः शिवाय। दोस्तों, 27 दिसंबर को साल का आखिरी प्रदोष व्रत है। आपको बता दें कि ये प्रदोष व्रत बहुत ही खास है, क्योंकि रविवार के दिन पड़ने की वजह से ये रवि प्रदोष पड़ रहा है, जो कि कलयुग में भगवान शिव की कृपा प्रदान करने वाला माना जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक की जाती है। शास्त्रों में सबसे उत्तम व पवित्र समय प्रदोष काल बताया गया है, जो दिन का अंत और रात्रि के आगमन के बीच का समय होता है, वही प्रदोष काल कहलाता है। इस काल में की गई शिव पूजा का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत के रजत भवन में प्रदोष के समय नृत्य करते हैं। चलिए अब आपको त्रयोदशी तिथि बताते हैं। त्रयोदशी तिथि 27 दिसंबर की सुबह 4:18 से शुरू होकर 28 दिसंबर की सुबह 6:20 तक है। चलिए अब आपको रवि प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा करने की विधि बताते हैं। रवि प्रदोष के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान ध्यान करने के बाद उगते सूर्य को तांबे के पत्र में जल, रोली और अक्षत लेकर अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए और पूरे दिन भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप मन ही मन में करते रहना चाहिए। यदि संभव हो तो ये व्रत निराहार ही रहना चाहिए। पूरा दिन बीतने के बाद शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव को पहले पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर विल्व पत्र, धतूरे के फल, रोली, अक्षत, धूप और दीप से पूजन करना चाहिए। भगवान शिव को साबुत चावल की खीर भी अर्पित करना चाहिए। सबसे अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करके प्रसाद को बांटना चाहिए। चलिए आपको प्रदोष व्रत का महत्व बताते हैं। आपको बता दें कि प्रदोष व्रत की महत्ता सप्ताह के अलग अलग दिनों के मुताबिक अलग अलग होती है। रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को करने वाला हमेशा निरोग रहता है। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को करने से रोगों से छुटकारा मिलता है। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को करने से सभी तरह की कामना की सिद्धि होती है। बृहस्पतिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को करने से शत्रु का नाश होता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को करने से सौभाग्य की बढ़ोतरी होती है और शनिवार को प्रदोष व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।